पेशेंट का सवाल ये है कि 3 महीने से मेडिसिन्स खा रहे थे, वायग्रा वगैरह की या सिल्डेनाफिल सिट्रेट की, टाडालाफिल या वर्डेनाफिल, कोई भी PDE5 इनहिबिटर ये खा रहे थे, जो 3 महीने तक इन्होंने लगातार खाई, उस वक्त इनका इरेक्शन प्रॉपर आ रहा था, लिंग प्रॉपर काम कर रहा था, खड़ा हो रहा था, पर अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो अब क्या करें? तो यदि इनका अभी मेडिसिन खाने के बाद भी पेनिस काम नहीं कर रहा है तो इसके कई रीजंस होते हैं। तो पहला, वायग्रा या सियालिस या वर्डेनाफिल, ये आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन का टेम्परेरी इलाज है, ये क्योर नहीं है। तो यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यदि पेनिस में इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो हमें उसके रीजंस ढूंढने पड़ेंगे कि ये मेरे को साइकोलॉजिकल है, ये हार्मोनल है या फिजियोलॉजिकल है। तो अभी जो इन्होंने बताया कि अब इनके ये दवाई असर नहीं कर रही है, तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि ज्यादा वायग्रा खाने से या ज्यादा कोई सी भी दवाई खाने से, सपोज करो कि आपके बुखार हो रहा है या दर्द हो रहा है और आपने पैरासिटामोल एक बार खा ली, उसने काम किया, अब आप रेगुलर खाने लग गए तो क्या करेंगे, वही पैरासिटामोल आपके लिवर को खराब कर देगी या और दूसरे साइड इफेक्ट कर देगी। वैसे ही जब आप नियमित रूप से हैवी डोजेस ऑफ वायग्रा या सिल्डेनाफिल या टाडालाफिल या वर्डेनाफिल, कोई भी PDE5 इनहिबिटर्स खाते हो, तो उसका टॉलरेंस हो जाता है, मतलब बॉडी के अंदर वो दवा काम करना बंद कर देती है, कम हो जाता है, जैसे कि दर्द की दवाई कुछ समय बाद काम करना बंद कर देती है, तो वैसे ही PDE5 इनहिबिटर या वायग्रा काम करना बंद कर देती। तो एक रीजन तो हो गया ये। दूसरा, साइकोलॉजिकल क्या, डिपेंडेंसी जनरेट हो जाती है। अब आप जब भी सेक्स करने से पहले वो गोली खाते हो तो आपके दिमाग में ये विचार आता है कि भाई आज ये गोली काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि आप जब अक्सर जब आप यंग एज में ये गोली खाते हो तो आप एक लिमिटेड टाइम के लिए, घंटे दो घंटे के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हो और फटाफट से गोली फांक के कूदने चले जाते हो, तो कई बार वो साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्रिएट हो जाता है। तीसरा, यदि आपने हैवी डोज खाया है या ज्यादा मात्रा में खा ली है, तो कई बार जो वायग्रा का साइड इफेक्ट है वो है प्रायपिज्म, और प्रायपिज्म में क्या होता है कि पेनिस काम तो कर रहा है, खड़ा भी हो रहा है, डिस्चार्ज भी हो गया है, लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद भी वो खड़ा है, मतलब लंबे समय तक खड़ा है, और जब लंबे समय तक हमारा पेनिस खड़ा हो जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर डैमेजेस हो जाते हैं, परमानेंट डैमेजेस हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, जब भी इस तरह की गोली खाओ तो किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के खाओ, जो आपको डिसाइड करके बताए कि भाई तेरे को खानी है या नहीं खानी है या तू कितनी डोज की मात्रा खा। तो प्रायपिज्म जब हो जाता है तो कई बार प्रायपिज्म के अंदर जो पेनिस के सॉफ्ट टिश्यूज है वो खराब हो जाते हैं, और जो सबसे खराब चीज वायग्रा खाने से जो मेरे पेशेंट्स में आता है वो होता है वेस्कुलर चेंजेस या वीनस लीकेज। वीनस लीकेज के अंदर क्या होता है कि जैसे आपको वायग्रा की जरूरत ही नहीं थी और आपने जबरदस्ती ठोक ली, तो क्या होगा, आपका जैसे ये गुब्बारा है इसमें 2 लीटर हवा आ सकती हो, अब जबरदस्ती आपने इसके अंदर ब्लड ठोक दिया तो क्या होगा, इसमें से हवा निकलने लग जाएगी, इसको लीकेज बोलेंगे। जैसे टायर पंचर हो जाता है ज्यादा प्रेशर से, वैसे ही ज्यादा वायग्रा का डोज से जो वेन्स है उनमें लीकेजेस चालू हो जाते हैं, जिनका इलाज करने में बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी मुश्किल आती है। तो यदि आपको इस तरह की दिक्कत लगातार महसूस हो रही है तो आपको किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि वो आपके जो जिस भी रीजन से इरेक्शन डिसअपियर हुआ है ज्यादा मात्रा में वायग्रा खाने से, तो वो आपको प्रॉपर इलाज कर सके।